संख्या दो माननीय प्रथम सिंह कंवर जी आपकी तैयारी को एक बड़ा मान ले जाए। अमित जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में उल्लेख किया है कि निजी संस्थाओं में शिक्षण शुल्क का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा किया जाता है और ये 3 सालों के लिए निर्धारण इन्होंने किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक तो ये शुल्क कितना निर्धारण हुआ माननीय, और आपने फिर इसी में लिखा है कि जो उच्च न्यायालय के आदेश हैं उनके अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए भी आपने एक जो धारा 37A है इसके अंतर्गत कार्रवाई का निर्णय लिया है आपने, तो आपने उत्तर भी किया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं वो क्या हैं और कब का आदेश माननीय उच्च न्यायालय का है, और धारा 37 के अंतर्गत कार्रवाई का निर्णय लिया गया है तो ये कार्रवाई का इसमें क्या प्राविधान है और कब तक करना लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि माननीय प्रथम सिंह ने 2-3 सवाल किए हैं, उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो 9 जुलाई 2018 का आदेश है। माने हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है 9 जुलाई 2018 को दिया है, और फीस कमेटी का ये उन्होंने खुद ही कहा, हमने जवाब में दिया है कि फीस कमेटी हर 3 साल में फीस निर्धारण करती है। ये माने सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र बनाम अन्य में माने सुप्रीम कोर्ट ने और कर्नाटक में माने सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि माननीय हाईकोर्ट के कोई सेवानिवृत्त या सिटिंग जज के अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और सभी कॉलेजेस को हायर एजुकेशन की फीस को निर्धारण करेगी। 2006 में हमने उसका उत्तराखंड में एक फीस कमेटी का नियमावली बनाई, कानून एक्ट बनाया, फिर 2010 में हमने उसको एक्ट बनाया। फिर माननीय अध्यक्ष जी, ये जो विवाद हुआ है ये इसलिए विवाद हुआ कि 2004 में आयुर्वेदिक कॉलेज की फीस निर्धारित की गई थी फीस कमेटी के द्वारा, हर 3 साल में होनी चाहिए थी, 2007 में होनी चाहिए थी, फिर 10 में होनी चाहिए थी, फिर 13 में होनी चाहिए थी, फिर 15 में और फिर 19 में होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार के द्वारा फीस कमेटी, चाहे जो भी कारण रहे हो कि माने हाईकोर्ट से नाम जज का नाम नहीं आया या सरकार के द्वारा फीस कमेटी गठित नहीं की गई, और जब फीस कमेटी गठित भी की गई तो आयुर्वेदिक विभाग के द्वारा उस फीस कमेटी के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, और 2015 को सरकार ने फीस कमेटी के सामने जाने के बजाय और फीस निर्धारित करने के बजाय एक कार्यकारी आदेश एग्जीक्यूटिव आदेश जारी करके 2004 में 80,000 रुपए फीस थी, और 14 अक्टूबर 2015 को कार्यकारी आदेश के द्वारा 2,15,000 फीस निर्धारित कर दी। उसके विरुद्ध जैसे हमने जवाब में भी कहा है कि जनहित याचिका दायर हुई और 9 जुलाई 2018 को माने हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि 2 हफ्ते के अंदर फीस ये जो संबंधित कॉलेज है ये फीस वापस करें। हालांकि ये आदेश माने और डबल बेंच ने भी इस आदेश को जो है यथावत रखा है, जिसको डबल बेंच ने 9 अक्टूबर 2018 को अपने आदेश में इस 9 जुलाई के आदेश को यथावत रखा है। इसके विरुद्ध हमने जो माने हाईकोर्ट के डबल बेंच का आदेश था उसके विरुद्ध उसको पालन करने के लिए हमने 9 अक्टूबर 2018 को प्रदेश की सरकार ने विश्वविद्यालय को एक आदेश जारी किया कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन किया जाए, जिसके जिसको 12 अक्टूबर को राज्य सरकार के आदेश को विश्वविद्यालय के द्वारा 12 अक्टूबर 2018 को सभी कॉलेजेस को यह आदेश किया गया कि ये फीस माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए। फिर सरकार के द्वारा 2 नवंबर 2018 को फिर दोबारा हमने एक आदेश किया विश्वविद्यालय को कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन
सुनिश्चित किया जाए। उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा 17 नवंबर 2018 को फिर सभी कॉलेजेस को एक आदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए। फिर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के द्वारा 22 नवंबर को फिर सभी महाविद्यालयों को एक आदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन अब तक आपके द्वारा नहीं किया गया, इसको पालन किया जाए। फिर 22 मार्च अभी हमारी सरकार ने फिर जब ये पालन नहीं हुआ आदेश माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन कॉलेजेस के द्वारा नहीं किया गया, तो हमने भी 22 मार्च 2019 को विश्वविद्यालय को आदेश दिया और जिसको 23 अप्रैल 2019 को विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजेस को नोटिस भेजा और ये स्पष्ट रूप से लिखा कि माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए एक माह के अंदर, और एक माह के अंदर अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो आपका जो संबद्धता है, जो एप्लीकेशन है विश्वविद्यालय से, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ये हमने सभी कॉलेजेस को बहुत स्पष्ट रूप से इस पे आदेश किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपने अगर आदेश कर दिए हैं तो आपने 9 जुलाई का तो यह आदेश है और 12 अक्टूबर का आपने आदेश कर दिए हैं और 12 अक्टूबर से अभी तक इसका अनुपालन नहीं हुआ, तो ये बहुत चिंता का विषय है। मतलब 7 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी अनुपालन न होना ये बहुत ही गंभीर विषय है। मानव आयुष छात्र जो है आंदोलित रहे और 3 गुना फीस वृद्धि हुई है, तो कहीं ना कहीं उनको न्याय मिलना चाहिए मान्यवर। और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर घोषणा की जाए कि उनकी फीस वृद्धि वापस करके इन संस्थानों के खिलाफ यही से आदेश के आदेश दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जिस तरह आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को बताया है कि सरकार तो पहले ही इन एप्लीकेशन नोटिस दे चुकी है, सर ये कह चुकी है एक माह के अंदर अगर माननीय न्यायालय का आदेश का पालन नहीं होगा तो उनकी संबद्धता समाप्त की जाएगी, ये हम पहले ही बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सरकार जब माने, ये तो हमने अपना धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया सरकार, जबकि माने हाईकोर्ट ने सीधे सीधे सरकार को कोई निर्देश नहीं दिए थे, सीधे कॉलेज, इसमें कॉलेज पार्टी थी और कॉलेजेस को, निजी कॉलेज को ही सीधे स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि वो 2 हफ्ते के अंदर फीस वापस करें। उसके विरुद्ध जब कॉलेजेस ने इसको नहीं माना, हमने तो एक सरकार के नाते अपना कर्तव्य निभाया सरकार ने, ये जो भी हमने कार्रवाई की कॉलेज के नाम पे या विश्वविद्यालय से करवाई, ये हमने अपने कर्तव्य का कि भाई हम ऐसे धृतराष्ट्र के रूप में नहीं बता सकते हैं, हमने अपने कर्तव्य कर, हालांकि माननीय हाईकोर्ट ने सीधे उनको निर्देशित किया था कॉलेजेस को, और जब कॉलेजेस ने उसका पालन नहीं किया तो वो संबंधित पक्ष जो छात्र थे या जो जन इतिहास का जिन्होंने दायर की थी वो अवमान के लिए गए और उसमें अवमानक की कार्रवाई जारी है। इसमें इससे संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में अभी जो सबसे अंतिम आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, उन्होंने अपने आदेश में, क्योंकि हाईकोर्ट के जो आदेश है माननीय अध्यक्ष जी वो अलग अलग समय पे अलग अलग हुए हैं। अब जो अंतिम जो सितंबर का माननीय अंतिम आदेश है 26/9/2019 का, उसमें उन्होंने फीस कमेटी को और एपिलेटेड कमेटी को दोनों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि मेरे इस न्यायालय के द्वारा या मेरे द्वारा भी अगर कोई पूर्व आदेश दिए गए हो उसका संज्ञान न लिया जाए और एपिलेटेड कमेटी और फीस कमेटी बच्चों को बिना पार्टी बनाए हुए अपने विवेक से निर्णय लिए और उसके विरुद्ध में एपिलेटेड कमेटी ने 13 नवंबर को एक आदेश दिया है जिसमें 18-19 को 13 नवंबर 19 को अभी 13 पिछले महीने इस पर एपिलेटेड कमेटी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से किया है कि
अगर फीस कमेटी को निर्देश दिया है कि अगर कोई जिसमें विशेष करके उसने कहा है द कमेटी फर्दर डायरेक्ट टू डिसाइड ऑल द एप्लीकेशन पेंडिंग बिफोर इट फॉर रिविजन ऑफ ए इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन द हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 2017 स्पष्ट रूप से आदेश किया है कि अगर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है फीस कमेटी के सामने और हिमालय आयुर्वेदिक कॉलेज की जो 2017 की एप्लीकेशन पेंडिंग है उस पर भी फीस कमेटी जो है अपना निर्णय करे, स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिए हैं। तो इस समय स्थिति यह है, एक मामला क्या फीस कमेटी के सामने आप विचाराधीन, एपिलेटेड कमेटी ने डिसीजन कर दिया हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर, जो अंतिम डायरेक्शन हाईकोर्ट को आ उस पर फीस कमेटी एपिलेटेड कमेटी ने डायरेक्शन फीस कमेटी को भेजा है। मैंने विनोद चौधरी जी, कंट्रोल में कोई गंभीर बात यह है कि सरकार बार बार निर्देश कर रही है आयुर्वेदिक कॉलेजों को, आप हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करें, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज को मान ले रही है। लेटेस्ट आदेश से पहले की बात भी मैं कर रहा हूँ, तो कई बार आदेश हो चुके हैं, तो क्या सरकार का इन कॉलेजों पर कोई नियंत्रण नहीं है, या हम आदेश करने वाले हमारे आदेश को नहीं मानते हैं? ये अराजकता नहीं है, ये राज्य में सरकारी नहीं है, ये सरकार को तय करना पड़ेगा कि सरकार के मातहत चलने वाले ये कॉलेज सरकार के नियमों का पालन अगर नहीं कर रहे हैं, ये कब तक उनका पालन न करने के बाद भी चलने चाहिए? माननीय जी, सरकार ने अपने कर्तव्य का पालन किया है और हमने अब कॉलेज को नोटिस दिया है। जो सरकार के पास अंतिम हथियार था कि कॉलेजेस की क्षमता समाप्त करने का, हमने एक माह का समय दिया है, लगातार हम क्यों नोटिस देने के बाद चुप नहीं बैठे हैं। विश्वविद्यालय लगातार संबंधित कॉलेज को नोटिस दे रहा है कि अगर आपने जो एक माह का समय हमने दिया था उसके उस समय में आपके फीस या माने हाईकोर्ट का पालन नहीं किया तो हम आपकी क्षमता समाप्त कर देंगे। हालांकि माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि कई बार आप ये उम्मीद तो करते हैं, मैंने अलग से कहा भी था, एक कहावत है, अगर असंसद होगा तो बाद में निकाल दीजिएगा कि कद्दू छुरी पे किरे चाहे छुरी कद्दू पे कर, कट्टर कद्दू कोई है, क्योंकि जो आप कह रहे हो कि कठोर निर्णय ले लें, हम ले लेंगे निर्णय कठोर, समता समाप्त कर देंगे, लेकिन जब किसी कॉलेज समता समाप्त होगी तो सीसीएम के बड़े रूल रेगुलेशन है जिसके आधार पर किसी आयुर्वेदिक कॉलेज को मान्यता मिलती है। राज्य सरकार जब समता समाप्त हो जाएगी तो वो जो सारे बच्चे 5,500 बच्चे हैं उनका भविष्य क्या होगा, और एक कॉलेज के अंदर 300 जो कर्मचारी हैं, जो हॉस्पिटल है, जो आयुर्वेदिक हम इन्वेस्ट वेलनेस सेंटर है, 60 बेड का हॉस्पिटल आयुर्वेदिक, और 100 सीट के लिए 100 बेड का हॉस्पिटल है, जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं ये कॉलेजेस प्रदेश की जनता को, ये बहुत इतना आसान नहीं है, लेकिन हमने फिर भी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए कठोर निर्णय लेने का निर्णय लिया है। और क्योंकि मामला तीन मामले इस समय माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है, हम न्यायालय के भी आदेश का अंतिम आदेश का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपना काम भी करेगी। माननीय प्रीतम सिंह तोमर जी, एक महीने का समय माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक महीने का समय हमने उनको दिया है समाप्त करने का, और मैं समझता हूँ जो आपका अंतिम नोटिस गया उसका समय भी एक महीने से ऊपर हो गया है, तो क्या आप समाप्त समाप्त या जो भी कार्रवाई है आपने कर लिया या एक दो दिन में कर लेंगे, कब करेंगे? इसका जवाब तो आ गया ना, ये बात तो एक माह का समय तो